हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग जानते हैं एक नए मेडिकेशंस के बारे में, जिसको हम लोग जिसका नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शंस आईपी। डाइक्लोफेनिक ये है एक पेन किलर होते हैं जिसको हम लोग आईएम दे सकते हैं। ये क्या होता है, ये एनएसआईडी ड्रग्स होते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि किसके लिए ट्रीट होता है, जो एडल्ट में माइल्ड टू मॉडरेट पेन होते हैं उसमें हम लोग डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शंस देते हैं। इट इज़ यूज्ड एलोन और गिवन विद द ऑपियोइड पेन मेडिसिन टू ट्रीट एडल्ट विद द मॉडरेट टू सीवियर पेन। और हम लोग क्या करते हैं, या तो सिंगल दे सकते हैं या ऑपियोइड। ये एक नशे की तरह दवा होता है, यानी कि आपका जो कभी कभी आप लेने के स्टार्ट करेंगे तो आपको पेन तो रिलीफ कर देगा, बट ये एक एडिक्ट हो जाते हैं। कोई कोई पेशेंट होते हैं वो एडिक्शन हो जाता है, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन होता है वैसे ड्रग्स एडिक्शन भी होते हैं। तो ये एक नशीला है, आप एक अमाउंट में ही जितना आपको प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के थ्रू उतना ही आप लें। जब आपको मॉडरेट टू सीवियर पेन होने लगे तभी लें। अगर हल्का पेन हो रहा है, अगर उसमें आप ले रहे हैं तो ये एक, अगर ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो आप एडिक्टेड हो सकते हैं। और हम लोग इसको बटक रीजन में देते हैं। और इसका डोज़ कितना है, इसका 75 to 150 mg per day, या पर डे अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो एक दिन लेंगे 75 से 150 mg, बट आपका अगर सीवियर पेन है तो पर डे नहीं ले सकते, पर डे लेंगे। अगर माइल्ड पेन है तो उसका एक दिन गैप करके हम लोग ले सकते हैं। चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि अगर ये ड्रग्स लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल और स्टोमक पेन देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग और बर्निंग देखने को मिलेगा, कहाँ, एब्डोमेन में, ब्लडी और ब्लैक स्टूल देखने को मिलेगा, ब्लडी यूरिन देखने को मिलेगा, हार्ट बर्न और देखने को मिलेगा, और इंजेशंस यानी कि डाइजेशंस में आपको प्रॉब्लम भी देखने पर, फास्ट डाइजेशन नहीं हो पाएंगे, नोज़िया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ द फेस, फिंगर, लोअर लेग्स देखने को मिलेगा। ये हमारा साइड इफ़ेक्ट है। और क्या, यूरिन आउटपुट जो है उसमें हम लोग को डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसका एडिक्टेड ना बने। ये जितना भी डोज हो उतना ही डोज लें, अगर एडिक्टेड बनते हैं तो वो आपके लिए जाके आगे प्रॉब्लम करेगा, कोई और ऑर्गन को वो इफ़ेक्ट करेगा, कोई और डिजीज़ कॉज करेगा। इसलिए जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उतना ही आप मेडिकेशंस लें। और ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पेशेंट्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उतना ही लेना, कि वो एडिक्टेड बने किसी ड्रग्स के। तो चलिए आज इसका हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट। जो इसका एक्सपायरी डेट है वो 7/2024 है, और जिसका मैन्युफैक्चर डेट है वो 8/22 है। तो ये हम लोग को गवर्नमेंट में इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर आप शॉप से लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे, बट अगर आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो ये आपको इजीली प्रोवाइड कर जाए किया जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।